दास ने बड़ी सही लाइन कही थी कि चलन चलन सब लोग कहते हैं, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। कि सब कहने चलो चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ चलो, पता किसी को है नहीं कहाँ जाना है। सो यू नीड टू नो द राइट पाथ, आंसर राइटिंग स्किल्स। If you have a beautiful handwriting with a good speed and you can present your answer in a beautiful manner using maps and diagrams etc etc, इतना difference आ जाता है। इस बात से बहुत फर्क यूपीएससी में पड़ता ही नहीं कि आपने कितना गहरा आंसर लिखा है, क्योंकि 20 questions 3 घंटे में आप गहरे नहीं लिख सकते, आप ज्यादा से ज्यादा 20 questions पूरे कर सकते हैं। And if you have a good speed and you can make diagrams etc maps etc, you can use all the space of the answers and you can complete all the questions. And as soon as you complete all the questions of mains in all 4 GS papers, 2 optional, 1 essay, I can assure you that you stand 80 to 90% chances of qualifying mains just because you have been able to complete all your answers. क्योंकि बहुत लोग जहां मार खाते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं होती है, उछलते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं, 1-2 साल तक आपको लगातार मेहनत करनी है। अगर वो आपके अंदर बात है तो रास्ता सही है, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस रास्ते पर चलें। देखिए, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि या तो तैयारी छोड़ दीजिए या हैंडराइटिंग अच्छी कर लीजिए। मैं बहुत क्लियरली आपसे कह रहा हूं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी एन IAS ऑफिसर विद ए पुअर हैंडराइटिंग। IAS बनने के बाद आप कितना भी खराब लिखेंगे लोग कहेंगे वाह कितना महान लिखा है, पर आप IAS बन नहीं पाएंगे पुअर हैंडराइटिंग से। दिस इज ए बिटर ट्रुथ विच आई शुड रिवील इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव नेवर सीन एन IAS टॉपर और ए गुड IAS स्कोरर विद ए पुअर हैंडराइटिंग। आई हैव नेवर सीन। पर जितने मार्क्स पे सारी दुनिया खत्म हो जाती है उतने मार्क्स हैंडराइटिंग से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कुछ लोग पहली बार में क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हैंडराइटिंग अच्छी होती है, 70 उसी के लिए आते हैं एक्स्ट्रा। बोलने में सुंदर हैं, इंटरव्यू में 50 एक्स्ट्रा ले आए, 50 वहां खींच के ले आए, 70 हैंडराइटिंग से लेके आ गए, नक्शे वक्शे बनाए उससे और 10-20 कमा लिए, थोड़ी पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई तो करते ही भाई, ऐसे थोड़ा ना होगा। पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने बहुत कम पढ़ाई की हुई थी और पहली बार में प्रॉपर IAS बन गया, एटलीस्ट आई एम नेवर सरप्राइज्ड। मैं सिर्फ ये देखता हूँ उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, स्पीड ऑफ राइटिंग कैसी है और उसका बातचीत करने का लहजा कैसा है। अगर आपको ठीक से बात करनी आती है, ठीक से लिखना आता है, यू हैव गुड कमांड ओवर योर लैंग्वेज, हैंडराइटिंग अच्छी है, बस प्रीलिम्स निकलने की देर है, नौकरी आपका इंतजार कर रही है, बस प्रीलिम्स निकाल लीजिए। प्रीलिम्स अपने आप में एक अलग युद्ध है, वो भी एक बैटल है। बट yes, if you are able to qualify through the prelims, then mains, मतलब आपको सरप्राइजिंग लगेगा, पर जब मुझसे कोई पूछता है कि क्या ये मुश्किल एग्जाम है, ईमानदारी से कहता हूं ये बहुत आसान एग्जाम है। द ओनली थिंग इज इफ यू हैव दिस सेट ऑफ एबिलिटीज, इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम्स फॉर एनीवन टू क्रैक। और ये जिनके पास नहीं है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मैं मूर्ख शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाह रहा हूं, करूंगा भी नहीं, पर मैंने कई लोगों को देखा है, पहली बार दिया एग्जाम, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, स्पीड कम है, 4 क्वेश्चन छूट गए हैं, नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी में थोड़ी गहराई कम थी, 2 बुक्स और पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई, 2 और पढ़ लो, हर सेगमेंट में 2-2 बुक्स और पढ़ लो। पर अगली बार इतना पढ़ने के बाद नंबर पिछली बार से 20 और कम हो जाते हैं। इतना पढ़ लिया ये लिख ही नहीं पा रहे। यूपीएससी में आपको कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स मैक्सिमम। और आपने कुछ अगर ठीक से पढ़ा है तो 200 वर्ड्स इज नॉट ए बिग डील, यू कैन इजी राइट। असली बात है कि आपने सारे क्वेश्चन लिखे, ठीक से प्रेजेंट कर दिया और इस पर ध्यान नहीं।